हेलो एवरीवन टुडे वी विल डिस्कस लेसन फाइव स्टेट्स ऑफ इंडिया इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट दैट मींस केंद्रीय सरकार स्टेट गवर्नमेंट मींस राज्य सरकार तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है स्टेट गवर्नमेंट क्या है एंड हाउ मेनी स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स इन अवर कंट्री हमारे कंट्री में टोटल कितने स्टेट्स हैं एंड कितने यूनियन टेरिटरीज हैं एंड उनके कैपिटल्स मीन्स राज्य और उनकी राजधानी क्या है ओके सो लेट स्टार्ट इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री भारत एक बहुत बड़ा देश है भारत एक बहुत बड़ा देश है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर इट एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ ये जो है उत्तर में सी हीयर नॉर्थ को क्या बोलते हैं उत्तर साउथ को क्या बोलते हैं दक्षिण तो ये नॉर्थ में कश्मीर से लेके सबसे ऊपर में यहाँ कश्मीर आता है नॉर्थ में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक्सटेंड है फैला हुआ है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक फैला हुआ है यहाँ पर सी हियर इन लास्ट साउथ की तरफ में दक्षिण की तरफ में लास्ट में यहाँ पर ये कन्याकुमारी आता है कन्याकुमारी एक टाउन है विच इज़ इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु कन्याकुमारी एक टाउन है जो कि तमिलनाडु स्टेट में आता है एक जगह है जो कि तमिलनाडु स्टेट में आता है तमिलनाडु हमारे कंट्री का एक स्टेट है इस स्टेट के अंदर क्या आता है कन्याकुमारी तो कन्याकुमारी सबसे एंड में है तो ये कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक फैला हुआ है एंड फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट एंड वेस्ट से गुजरात से वेस्ट में गुजरात से लेके कहाँ तक फैला हुआ है अरुणाचल प्रदेश तक सी हियर अरुणाचल प्रदेश गुजरात से लेके गुजरात से लेके ये पूरा कहाँ तक फैला हुआ है अरुणाचल प्रदेश तक ओके सो इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री ये चारों ओर से फैला हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक एंड यहाँ से लेके यहाँ तक ये फैला हुआ है देयर आर मोर देन वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी करोड़ पीपल लिविंग इन दर इन अवर कंट्री हमारे कंट्री में हमारे देश में वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी करोड़ पीपल से भी ज़्यादा लोग रहते हैं वन हंड्रेड ट्वेंटी करोड़ से भी ज़्यादा लोग रहते हैं हमारे कंट्री में इन पॉपुलेशन साइज वी आर सेकेंड टू चाइना मीन्स हमारे कं हमारे वर्ल्ड में इस वर्ल्ड में टोटल बहुत सारे कंट्री है बहुत सारे कंट्री है एप्रोक्स वन नाइन्टी थ्री या वन नाइन्टी फाइव कंट्री है टोटल तो उसमें से हमारा जो कंट्री है इंडिया वो सेकेंड नंबर पे आता है पॉपुलेशन साइज पॉपुलेशन वाइज वो सेकेंड नंबर पे आता है मींस इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है बहुत लोग हैं इंडिया में जो कि सेकेंड नंबर पे आता है चाइना चाइना में हमसे भी हमसे भी बहुत ज़्यादा लोग हैं वन ट्वेंटी चाइना में इंडिया से भी ज्यादा लोग हैं इसीलिए चाइना सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है एंड सेकेंड नंबर पे हमारा कंट्री आता है इंडिया ओके नाउ व्हाट इज सेंट्रल गवर्नमेंट वी हैव एन वी हैव एन इलेक्टेड गवर्नमेंट कॉल्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द नीड्स एंड वेलफेयर ऑफ़ द पीपल ऑफ इंडिया सो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारे पूरी इंडिया के लोगों की लोगों का ध्यान रखती पूरा पुर हमारे भारत के लोगों लोगों की जो ज़रूरत है उनकी सलामती के लिए देखती हैं और उनके ख्यालों का ध्यान रखती हैं जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर हु इज़ अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं सो वो क्या हुए सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि पूरे भारत के लोगों का ध्यान रखती है उनकी ज़रूरतों का उनकी सलामती का वो ध्यान रखती हैं उनके ऊपर जो भी बेस्ट उनको करने की ज़रूरत है वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन लोग होते हैं सी हियर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट मींस राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर मींस प्रधानमंत्री एंड अदर मिनिस्टर्स और भी बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं जैसे कि रेलवे मिनिस्टर हो गए रोड मिनिस्टर हो गए क्लोथ के मिनिस्टर हो गए होम मिनिस्टर हो गए वैसे और भी बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ये सब क्या है केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि पूरे भारत के लोगों को ध्यान में रख के काम करती हैं उनके लिए काम करती हैं the central government consists of the president the prime minister and several other ministers these important people have offices in new delhi in inka jo office hai prime minister president in sab ka jo office hai wo kahan kahan hai new delhi mein hai इन सब का जो office है जहाँ ये लोग बैठ के काम करते हैं meeting करते हैं तो वो कहाँ पर है New Delhi में है जो कि इंडिया का कैपिटल है हमारे इंडिया का भारत का कैपिटल क्या है न्यू दिल्ली। ओके तो न्यू दिल्ली में इनका ऑफिस रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लोग जो भी आते हैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इनका जो ऑफिस होता है जहाँ बैठ के ये लोग काम करते हैं जहाँ पर मीटिंग होती है तो इनका ऑफिस कहाँ पर है न्यू दिल्ली में है ओके सी दिस इज़ पार्लियामेंट हाउस यहाँ पर प्रेसिडेंट यहाँ पर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर इनका ऑफिस रहता है न्यू दिल्ली में ये चारों ओर से सराउंड रहता है ओके स्टेट गवर्नमेंट सो व्हाट इज स्टेट गवर्नमेंट सिंस इट इज डिफिकल्ट टू रूल सच बिग कंट्री ओनली फ्रॉम वन प्लेस लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट क्यों क्यों मनाया जाता क्यों होता है स्टेट गवर्नमेंट रखने की क्या जरूरत थी बिकॉज क्योंकि सिंस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रूल सच अ बिग कंट्री ओनली फ्रॉम वन प्लेस आवर कंट्री हैज बीन डिवाइडेड अ नंबर ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल द स्टेट्स स्टेट्स क्या होते हैं हमारे इंडिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है भारत तो एक बहुत बड़ा देश है बहुत बड़ी कंट्री है इसीलिए इस कंट्री में सिर्फ एक जगह से रह के काम नहीं हो सकता है हमारा इंडिया जो है वो बहुत ही बड़ा देश है इसीलिए एक जगह से ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि एक जगह रह के हम पूरे इंडिया को चला लें जैसे कि एक जगह रह के पूरे इंडिया को कैसे चलाएंगे इसीलिए इंडिया को क्या किया है छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है जिनको हम बोलते हैं स्टेट्स इंडिया को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है जिनको हम बोलते हैं स्टेट्स राज्य सो हियर आर टोटल ट्वेंटी एट स्टेट्स हमारे इंडिया में टोटल ट्वेंटी एट स्टेट्स हैं हम किस स्टेट के अंदर रहते हैं हमारे स्टेट का नेम क्या है मध्य प्रदेश हम किस स्टेट के अंदर रहते हैं मध्य प्रदेश एमपी में रहते हैं सिंगरौली वेर इज सिंगरौली इन एमपी मध्य प्रदेश में है मध्य प्रदेश एक स्टेट है ओके तो वैसे ही बहुत सारे स्टेट हैं इंडिया में टोटल कितने स्टेट्स हैं टोटल ट्वेंटी एट स्टेट्स हैं ये आप लोग को अच्छे से लर्न होना चाहिए एंड द नेम्स ऑफ स्टेट्स ऑल्सो एंड देयर कैपिटल्स सो इसीलिए ये छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया इंडिया को उनको हम बोलते हैं स्टेट्स ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन कैपिटल एंड गवर्नमेंट कॉल द स्टेट गवर्मेंट और हर स्टेट के अलग अलग उनके कैपिटल हैं हर स्टेट्स की राजधानी है अलग अलग एंड गवर्मेंट हर स्टेट का अलग अलग सर हर स्टेट की अलग अलग सरकार होती है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जो है, वो पूरे इंडिया को ध्यान में रख के काम करती है पूरे भारत के लिए काम करती है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं वो अपने स्टेट को ध्यान में रख के काम करते हैं वो सिर्फ अपने स्टेट के लिए काम करते हैं अपने राज्य के लिए काम करते हैं जैसे कि मध्य प्रदेश एक स्टेट है तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश इज़ शिवराज सिंह चौहान शिवराज सिंह चौहान जो है वो हमारे एमपी के चीफ मिनिस्टर हैं हमारे एमपी के चीफ मिनिस्टर है मीन्स मुख्यमंत्री है जो कि सिर्फ़ एमपी के लिए काम करते हैं पूरे भारत के लिए नहीं काम करते हैं शिवराज सिंह चौहान कहाँ के कहाँ के मुख्यमंत्री हैं कहा वेयर एम पी एम पी के मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है सो so, शिवराज सिंह चौहान किसके लिए काम करते हैं सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए काम करते हैं ही वर्कस ओनली फॉर फॉर हिज स्टेट मध्य प्रदेश ओके okay? वो सिर्फ अपने ओन स्टेट के लिए काम करते हैं और दूसरे स्टेट के लिए नहीं करते हैं तो वैसे ही सब स्टेट के अलग अलग चीफ मिनिस्टर होते हैं सब स्टेट के अलग अलग चीफ मिनिस्टर होते हैं जैसे कि यूपी उत्तर प्रदेश भी एक स्टेट है तो उत्तर प्रदेश में अलग चीफ मिनिस्टर है हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो यूपी के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं एंड हमारे चीफ मिनिस्टर कौन है मींस हम कहाँ रहते हैं एमपी में मध्य प्रदेश में तो एमपी के चीफ मिनिस्टर कौन हुए शिवराज सिंह चौहान हैं ओके ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन कैपिटल एंड गवर्नमेंट हर स्टेट के अलग अलग हर स्टेट के अपने खुद के कैपिटल है राज्य खुद के खुद की राजधानी है और खुद का सरकार है हर स्टेट का अपना खुद का सरकार भी है द स्टेट गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द प्रॉब्लम्स ऑफ इट्स पीपल एंड वर्क फॉर देयर वेलफेयर जो स्टेट गवर्मेंट है राज्य सरकार वो लोगों की दिक्कतों का दिक्कत को ध्यान में रखती हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं उनकी क्या दिक्कतें हैं और उनकी सलामती के लिए काम करती हैं मीन्स उनका जो स्टेट है उनके लिए काम करती हैं प्रजेंटली देयर आर ट्वेंटी एट स्टेट्स इन इंडिया अभी इंडिया में टोटल कितने स्टेट्स हैं ट्वेंटी एट स्टेट्स हैं द स्टेट्स हैव देयर गवर्नर्स द चीफ मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स दे हैव देयर ऑफिस इन द स्टेट कैपिटल्स सो स्टेट्स में कौन कौन होते हैं गवर्नर्स मीन्स राज्यपाल चीफ मिनिस्टर मीन्स मुख्यमंत्री और भी अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं ओके okay? तो सबसे ज़्यादा पावर किसका रहता है चीफ मिनिस्टर का ओके देन गवर्नर का सी हीर माई स्टेट इज आपका आपका स्टेट क्या है मध्य प्रदेश माई स्टेट इज एम ए टी एच वाई ए मध्य प्रदेश माई स्टेट इज मध्य प्रदेश द कैपिटल ऑफ माई स्टेट इज मेरे स्टेट का कैपिटल क्या है मेरे स्टेट का राजधानी क्या है भोपाल द चीफ मिनिस्टर ऑफ माई स्टेट इज मेरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर कौन है जो हम सब का हम सब के लिए काम करती हैं हम सब का ध्यान रखती है हम सब के लिए काम करती जो भी हमारे लिए अच्छा हो उनके लिए वो काम जो भी चीफ मिनिस्टर हम सबके लिए जो भी बेस्ट होता है वो वो करती हैं चीफ मिनिस्टर करते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ माय स्टेट इज शिवराज सिंह चौहान ओके सो नाउ व्हाट इज़ यूनियन टेरिटरीज देयर आर सम स्मॉलर पार्ट्स ऑफ द कंट्री हमारे कंट्री में कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो कि डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती हैं मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स केंद्र सरकार जैसे कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ये सब कंट्रोल करती हैं किसको यूनियन टेरिटरीज़ को यूनियन टेरिटरीज़ हमारे हमारे कंट्री को और भी और भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिसको हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज तो उन यूनियन टेरिटरीज को सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है बट स्टेट गवर्नमेंट बट स्टेट को कौन कंट्रोल करता है चीफ मिनिस्टर स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहता है हर स्टेट के अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स होते हैं एंड यूनियन टेरिटरीज में हर स्टेट यूनियन टेरिटरीज कौन कंट्रोल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट ओके दीज आर कॉल्ड द यूनियन टेरीटरीज देर आर ना देर आर प्रजेंटली यहाँ पर आप सबको लिखना एट नाउ प्रजेंटली देर आर एट यूनियन टेरीटरीज इन इंडिया अर्लियर इट वॉज नाइन पहले नाइन यूनियन टेरीटरीज था बट अब कितने हो गए हैं एट हो गए हैं देर आर एट यूनियन टेरीटरीज इन इंडिया दिल्ली इज़ अ यूनियन टेरिटरी विद द स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑल द पीपल लिविंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया आर इंडियंस दो दे हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस, कस्टम्स फूड हैबिट्स लाइफस्टाइल स्टाइल वी शुड बी प्राउड ऑफ अवर कंट्री इंडिया सो दिल्ली भी एक यूनियन टेरीटरी है ओके ऑल द पीपल लिविंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया हर स्टेट्स में अलग अलग लोग रहते हैं अलग 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 डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया आर इंडियंस हर स्टेट में जो भी लोग रहते हैं हर अलग अलग स्टेट्स में हम सारे क्या हैं इंडियंस हैं हम सारे इंडियंस हैं क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं लेकिन अलग अलग इस्टेट में वो इंडिया को अलग अलग स्टेट में अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है लेकिन हम सारे क्या हैं इंडिया में जो यूपी में लोग रहते हैं वो भी इंडियंस हैं और जो एमपी में लोग रहते हैं वो भी इंडियंस हैं लेकिन हमारे लैंग्वेज अलग हो सकते हैं दो दे हैव डिफरेंट लैंग्वेज लेकिन उनके लैंग्वेज क्या है अलग अलग लैंग्वेज भाषाएं अलग हो सकती हैं जैसे कि राजस्थान में राजस्थानी भाषा बोला जाता है लैंग्वेज एंड हर स्टेट में क्या है अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है महाराष्ट्र में अलग गुजराती गुजरात में अलग लैंग्वेज बोली जाती है कस्टम्स अलग रीति रीति रिवाज़ जो होते हैं कस्टम मीन्स रीति रिवाज जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं फूड हैबिट्स खान पान जैसे कि गुजरात में अलग कुछ होता है एंड राजस्थान में अलग होता है एमपी का अलग कुछ खान पान होता है तो थोड़े डिफरेंट दिफ्रें, डिफरेंट फूड uh, हैबिट्स होते हैं जो हम खाना खाते हैं लाइफ स्टाइल रहन सहन अलग अलग होता है कि हम लोग कैसे रहते हैं फिर वहाँ के लोग कैसे रहते हैं हर स्टेट के रहने का तरीका खाने का तरीका जो वो खाते हैं वो सब एंड उनके बोल वो क्या बोलते हैं उनका पहनावा क्या है ओके लाइफ स्टाइल वो किस तरह से रहते हैं तो हर स्टेट में अलग अलग हर चीज़ होती है बट हम सारे क्या हैं इंडियंस ही तो हैं वी शुड बी प्राउड ऑफ अवर कंट्री इंडिया हमें गर्व होना चाहिए हमारी कंट्री पे इंडिया पे, हाँ हमारी कंट्री इंडिया पे हमें गर्व होना चाहिए कि हम सारे इंडियंस हैं हम सारे के भले ही लैंग्वेज अलग हैं कस्टम्स है, अलग हैं फूड हैबिट्स अलग हैं लेकिन हम सब हमेशा एक साथ हैं हम सब इंडियंस हैं

टोटल ट्वेंटी एट स्टेट्स एंड इनके कैपिटल्स ये सब आपको लर्न करना है लर्न इट बाय एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देर कैपिटल्स सो देर आर एट यूनियन टेरिटरीज एट यूनियन टेरिटरीज अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड उसका कैपिटल क्या है पोर्ट ब्लेयर चंडीगढ़ कैपिटल चंडीगढ़ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव पहले ये दोनों अलग था दादरा एंड नगर हवेली अलग यूनियन टेरिटरी था दमन एंड दीव अलग था बट अब इन दोनों को एक कर दिया गया ये एक एक हो गए एक हो गए हैं तो ये टोटल एक यूनियन टेरिटरीज़ ये दोनों मिल गए हैं दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव और इनके कैप इस, इस यूनियन टेरिटरी का कैपिटल क्या है दमन जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख लक्षद्वीप आइजलैंडस पुडुचेरी डेली ओके सो सी ही एट यूनियन टेरिटरीज अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड इट्स कैपिटल इज पोर्ट ब्लेयर चंडीगढ़ इज्स कैप कैपिटल इज चंडीगढ़ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव इट्स कैपिटल इज दमन डेली इट्स कैपिटल इज डेली इट्स सिल्फ लद्दाख इट्स कैपिटल इज ले लक्षदीप कैपिटल इज कवारटी, जम्मू एंड कश्मीर समर में कैपिटल श्रीनगर बोला जाता है एंड विंटर में जम्मू बोला जाता है पुडुचेरी कैपिटल पौंडीचेरी, ओके एरिया वाइज इंडिया जो है वो किस नंबर पे आता है एरिया वाइज सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया से सिक्स बड़े कंट्री और भी हैं एरिया वाइज मींस स्पेस वाइज कितना बड़ा है ओके पॉपुलेशन वाइज मींस लोग कितने हैं तो अगर लोगों के पॉपुलेशन वाइज़ हम देखेंगे कि लोग कितने हैं वैसे इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है सेकेंड नंबर पे आता है लेकिन बट एरिया वाइज इंडिया किस नंबर पे आता है सेवेंथ नंबर पे आता है सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है ओके okay? Okay.